जय हिंद दोस्तों। दोस्तों कल से आप भी एक्साइटेड होंगे जिस प्रकार की स्टोरीज आई इजराइल और सऊदी अरब की मीटिंग को लेकर, उनको सुनकर एक्साइटेड आप भी हुए होंगे, मैं भी हुआ, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि कोई जासूसी की मूवी देख रहे हैं, कोई जेम्स बॉन्ड स्टाइल की मूवी देख रहे हैं, जहां पे एक प्लेन आता है उसमें से कोई निकलता है, वो सब कुछ चल रहा था। लेकिन मैं बात करूंगा सीरियसली जियोपॉलिटिकल इश्यूज पर, कि इसके बैकग्राउंड में भू राजनीति, जिसको हम हिंदी में कहते हैं, अंग्रेजी में जियोपॉलिटिक्स कहते हैं, वो बड़ी व्यापक चीज होती है जियोपॉलिटिक्स, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स एक समावेश होती है लोकल पॉलिटिक्स का, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का, रीजनल पॉलिटिक्स का, पावर गेम का, पैसे का, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का, मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस का, जो दूसरी कुछ कंट्रीज की इच्छाएं होती हैं दूसरे को डोमिनेट करने की, उसका बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं उसमें, तो बड़ी व्यापक चीज़ होती है। मैं हमेशा कहता हूँ कि जियो पॉलिटिक्स जो है ना, यदि यूँ कहें कि पॉलिटिक्स जलेबी की तरह है, गोल 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 सीधी नहीं होती, तो जियो पॉलिटिक्स जो है वो प्याज की तरह है, प्याज की जितनी लेयर होती है ना, हर एक को लेयर को निकालते जाओ एक अलग लेयर निकलेगी, वह जियो पॉलिटिक्स है। तो जियो पॉलिटिक्स को जियो पॉलिटिक्स की तरह ही समझना चाहिए। और ये जो कल न्यूज़ आई उसमें ये आया कि सबसे पहले तो इसराइली मीडिया ने इसको ब्रेक की और फिर उसको दुनिया भर की मीडिया ने उठाना शुरू की, क्योंकि बड़ा तरह से उत्तेजना वाला विषय था कि जिस प्रकार से जो चीज़ हुई वह, कि इसराइल का एक प्राइवेट जेट, छोटा सा प्राइवेट एरोप्लेन गल्फ स्ट्रीम 4 फ्लाइट भरता है तेल अवीव के बेन गुरियन एयरपोर्ट से, और वो जाके लैंड करता है कहाँ पर, सऊदी अरब के नियोन शहर। अब ये नियोन क्या है? नियोन कोई वहाँ का ट्रेडिशनल शहर नहीं है, यह MBS जो वहाँ के राजकुमार है, क्राउन प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान, उनका जो ड्रीम प्रोजेक्ट है विजन 2030, जिसके तहत सऊदी अरब को वे बाहर निकालना चाहते हैं, जो उसकी हाई डिपेंडेंसी है ऑयल के एक्सपोर्ट पर उससे, और उसमें बहुत सारे ट्रेड एंड कॉमर्स और टूरिज्म वह सब स्टार्ट करना चाहते हैं। तो नियोन नाम का जो शहर है उसको डेवलप किया जा रहा है, कह रहे हैं कि 2025 तक कंप्लीट हो जाएगा, और अभी तक MBS ने उसमें $500 अरब खर्च कर दिया है। माना जाता है कि बहुत लग्जीरियस होगा, बहुत हाईटेक होगा, ड्राइवरलेस कार्स होंगी, जो रेस्टोरेंट में जाएंगे तो रोबोट्स सर्व करेंगे, इस प्रकार की बातें उसके विषय में सामने आ रही है। लेकिन कमिंग टू द टॉपिक, अब ये जो सारा किस्सा चल रहा है कि इसराइल से फ्लाइट निकलती है, नियोन में लैंड होती है, किस समय होती है, जब अमेरिका के फॉरेन सेक्रेटरी मिस्टर माइक पोम्पियो सऊदी अरब के दौरे पर हैं, और मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी आ रहा है कि उनके साथ अमेरिका से उनका जो मीडिया डेलीगेशन था वह भी था, और उनको मीडिया डेलीगेशन को वो एयरपोर्ट पर छोड़ देते हैं, और MBS के साथ, सऊदी राजकुमार के साथ, वे नियोन शहर चले जाते हैं 3 घंटे के लिए, और उसी समय नियोन में इसराइल की यह फ्लाइट उतरती है। अब ये जो गल्फ स्ट्रीम 4 नामक जो प्लेन है, इसके बारे में बताया जा रहा है कि यह प्लेन फेवरेट है बेंजामिन नेतन्याहू का, जो कि इसराइल के प्रधानमंत्री हैं, और जो मीडिया के हवाले से खबर आती है कि इस प्लेन में से कौन उतरता है, इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, और उनके साथ में जो दूसरे शख्स रहते हैं वो योही कोहेन रहते हैं, जो कि मोसाड के, जो वहाँ की गुप्तचर एजेंसी है, फेमस एजेंसी है, उसके हेड हैं पिछले 5 वर्षों से। तो ये दोनों मिलते हैं MBS और माइक पोम्पियो से, और जब सऊदी की फॉरेन मिनिस्ट्री, विदेश मंत्रालय से मीडिया पूछता है इस विषय में, तो सऊदी की मिनिस्ट्री कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन जब बेंजामिन नेतन्याहू से पूछा जाता है तो वे ना मना करते हैं ना हाँ करते हैं, उनका उत्तर इस प्रकार से आता है कि क्या मैं इस प्रकार के की बातों का आज तक जवाब दिया हूँ, तो इसराइल की तरफ से ना होता है ना हाँ होता है, मतलब आप समझ सकते हैं सऊदी अरब जो स्ट्रेट फॉरवर्ड मना करता है। अब आप इसकी जियोपॉलिटिक्स पर आए,
डेफिनेटली हमने देखा पिछले कुछ महीनों में कि पहले यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, फिर बहरीन, फिर सूडान, इन्होंने इसराइल के साथ नॉर्मल डिप्लोमेटिक टाइज एस्टेब्लिश की, और अच्छा भी है, होना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ कि जितने भी गल्फ स्टेट्स हैं उनके बहुत अच्छे संबंध होना चाहिए इसराइल के साथ। और यूएई का तो मुझे जो दिख रहा है सोशल मीडिया पर भी हम देख रहे हैं कि एक आत्मीयता दोनों देशों के लोगों के बीच में भी बनती जा रही है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स वालों के और इसराइल वालों के, आपस में लोगों का भी आदान प्रदान हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो एक अच्छी दिशा में जा रहा है। लेकिन आप ये समझिए कि यूएई ने रिकग्नाइज किया, बहरीन ने किया और सूडान ने किया, लेकिन सऊदी अरब क्यों रिकग्नाइज नहीं कर पा रहा, या ये कहें कि सऊदी अरब थोड़ा सा इसको कहते हैं शाय अवे क्यों हो रहा है फुल डिप्लोमेटिक टाइज एस्टेब्लिश करने में, जबकि यूएई और बहरीन, और विशेषकर बहरीन तो ये काम कर ही नहीं सकता था फुल डिप्लोमेटिक टाइज के बिना, जिसको कहें मैं शुद्ध हिंदी में बोलूं, बिना सऊदी अरब के आशीर्वाद के कर ही नहीं सकता था, क्योंकि बहरीन की एक तरह से ये कह सकते हैं फॉरेन पॉलिसी जो निर्धारित करता है वो सऊदी अरब ही करता है। और जहाँ तक यूएई का विषय है, यूएई और सऊदी अरब एक साथ काम करते हैं उस पूरे रीजन में, तो ये पूरा आपस में विचार के बाद ही हुआ है, सऊदी के अंडरस्टैंडिंग के बाद ही हुआ है। लेकिन फिर भी सऊदी क्यों जिसको कहते हैं हेजिटेट कर रहा है फुल डिप्लोमेटिक टाइज के लिए, मुझे इसका, मेरी जो जियोपॉलिटिक्स की समझ कहती है, उसके पीछे मुख्य कारण यह है कि पिछले कई दशकों से सऊदी अरब ने अपने आप को एक मुस्लिम स्टेट, सुन्नी मुस्लिम स्टेट के रूप में एस्टेब्लिश किया। उसके जो राजा रहे उन्होंने अपने आप को जो शीर्षक दिया, जो पदवी दी, जो कस्टोडियंस ऑफ टू होली मॉस्क, मतलब जो ग्रैंड मॉस्क है मक्का की और जो ग्रैंड मॉस्क है मदीना की, उसके कस्टोडियन की तरह अपने आप को प्रोजेक्ट किया और टाइटल भी वही दिया। फिर उन्होंने अपने देश को एस्टेब्लिश किया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन OIC के एक नेतृत्वकर्ता के रूप में उन्होंने अपने आप को एस्टेब्लिश किया। अब इन सब चीज़ों की वजह से मुझे लगता है थोड़ा सा हेजिटेशन है, और इसीलिए रास्ता निकला है, ये मेरा कैलकुलेशन कह रहा है, जियोपॉलिटिकल मेरा ज्ञान जो है उसके अनुसार मैं इस चीज़ का विश्लेषण कर रहा हूँ, इसीलिए ये रास्ता निकला है कि पहले दूसरे मुस्लिम देश रिकग्नाइज कर लें और उसके बाद सऊदी अरब करेगा। अब आपने कुछ दिन पहले एक इमरान खान का भी वक्तव्य सुना होगा, जिसमें वो कहते हैं कि इसराइल को रिकग्नाइज करने के लिए उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है। जब मीडिया ने पूछा कि वह प्रेशर क्या अमेरिका से है, तो बोलते हैं अमेरिका से भी है और एक और देश से है। जब ये पूछा जाता है क्या मुस्लिम देश है, तो वे नाम नहीं लेते, वो कहते हैं कि अभी नाम मत पूछिए, उसके उस देश के और पाकिस्तान के बहुत आर्थिक संबंध हैं, और जब आर्थिक संबंध जो हैं बहुत स्ट्रॉन्ग है, और जब पाकिस्तान की वित्तीय स्थिति अच्छी होगी तो नाम लेगा, मतलब डेफिनेटली वह देश कोई और नहीं, वो सऊदी अरब ही है। और उसमें थोड़ा इमरान खान ने आगे जो कहा उसमें भी मुझे जियोपॉलिटिकल शिफ्ट दिखती है। वे कहते हैं कि जिन्ना का हवाला देके कि इसलिए जिन्ना का नाम से उसके स्टेटमेंट्स बता के इसलिए हम रिकग्नाइज नहीं कर सकते, और जब तक नहीं कर सकते टिल देर इज अ सेटलमेंट टू पैलेस्टीनियन सेटिस्फैक्शन, मतलब जब तक फिलिस्तीनियों के सेटिस्फैक्शन तक कोई सेटलमेंट नहीं होता तब तक नहीं कर सकते। इसके पहले की लाइन्स क्या हुआ करती थी, इसके पहले की लाइन हुआ करती थी जब तक पैलेस्टीन का स्टेट फुल फ्लेश्ड रूप से नहीं एस्टेब्लिश होता, या जब तक 1967 की जो बॉर्डर्स थी उसके अनुरूप पैलेस्टाइन का स्टेट एस्टेब्लिश नहीं होता। लेकिन अब यह सेटिस्फैक्शन तक की बात हो गई, जब तक फिलिस्तीनियों के सेटिस्फैक्शन तक सेटलमेंट नहीं होता, सेटिस्फैक्शन तो कुछ भी हो सकता है, वो आर्थिक स्तर पर भी हो सकता है, वह दूसरे स्तरों पर भी हो सकता है कि दुबई जैसा एक शहर बन जाए, ट्रेड एंड कॉमर्स हो जाए, उस पर भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं जो प्रेशर है वो सऊदी अरब का है, उसकी वजह से ये स्टेटमेंट आया है जिसमें ये कहा गया कि टिल देयर इज अ सेटलमेंट टू पैलेस्टीनियन सेटिस्फैक्शन। अब जहां तक बात करें हम कि सऊदी अरब ने भी एक बार एक बात कही थी, उन्होंने ये कहा था कि बीच में कहा था कि जब तक पैलेस्टाइन का इशू रिजॉल्व नहीं होता, अब ये फिर मेरा पॉलिटिकल विश्लेषण है, जियोपॉलिटिकल विश्लेषण है कि अभी जब इसराइल के दौरे पर थे माइक पोम्पियो अमेरिकन फॉरेन सेक्रेटरी, तो वे गए थे, वेस्ट बैंक भी गए थे,
वो गोलैंड हाइट्स भी गए थे और साथ में, और ये पहले फॉरेन सेक्रेटरी थे अमेरिका के जो वेस्ट बैंक गए हों, और उन्होंने यहाँ तक यह भी कहा कि वेस्ट बैंक में जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उसको इसराइल जब यूनाइटेड स्टेट्स को एक्सपोर्ट करे तो उस पर सीधे मेड इन इसराइल लिखकर ही एक्सपोर्ट कर सकता है। तो मुझे ये लगता है उस इसके बाद सऊदी अरब के MBS की, नेतन्याहू जी की और माइक पोम्पियो की और मोसैड चीफ की बैठक होती है, तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि ट्रंप की, डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंसी खत्म होने से पहले किसी प्रकार का कुछ ना कुछ हल पैलेस्टाइन का भी निकले। ये हो सकता है, मेरा गैस है, मेरा एनालिसिस है। और सऊदी अरब जो है वह पूरी तरह से डिप्लोमेटिक टाइज एस्टेब्लिश कर ले स्टेट ऑफ इसराइल के साथ। अब जहाँ तक हम, क्योंकि जब भी बात करते हैं तो भारत के संबंध को, भारत के संदर्भ को हमेशा जियोपॉलिटिकल स्केल पर मेजर करते हैं कि हमारा हित कायम है, किस चीज़ में है। देखिए, हमारा हित इसी में है कि इसराइल और सऊदी अरब के फुल डिप्लोमेटिक टाइज एस्टेब्लिश हो जाए। मैं क्यों कह रहा हूँ, आज के समय हम अमेरिका के बड़े निकट हैं, हर तरह से हम ऑलरेडी सऊदी अरब के निकट हैं, हम ऑलरेडी UAE के निकट हैं, हम ऑलरेडी बहरीन के निकट हैं। इतने निकट हैं कि इन तीनों कंट्रीज ने अपने हाईएस्ट सिविलियन जो अवार्ड्स होते हैं वो नरेंद्र मोदी जी को दिए हैं। अब इनके, और हम इसराइल के भी बहुत निकट हैं। अब यदि ये भी सब इसराइल से निकट हो जाते हैं और बुके जिसको कहते हैं अमेरिकन अलाइज का, वो मिडिल ईस्ट में बनता है, डेफिनेटली भारत चाहे मिडिल ईस्ट का देश नहीं है लेकिन उस अलाइंस में, जियोपॉलिटिकल अलाइंस में, स्ट्रेटेजिक अलाइंस में इम्पोर्टेंट पार्टनर का रोल अदा करेगा। और पाकिस्तान के लिए Catch-22 वाली सिचुएशन है, वो इसलिए है क्योंकि यदि उस पर प्रेशर है तो उसके पास दो विकल्प हैं, या तो वह इसराइल को रिकॉग्नाइज कर ले या नहीं करे। अब यदि इसराइल को वह रिकॉग्नाइज नहीं करता है तो फिर सऊदी अरब को वो खो देगा, और सऊदी अरब को ही नहीं खोएगा वह अमेरिका को भी खो देगा। ऑलरेडी वह चीन के साथ है, अब उसके पास दूसरा विकल्प बचता है कि यदि इसराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करता है तो वह चीन के साथ तो है, वह टर्की के साथ चला जाए मुस्लिम वर्ल्ड में। अब टर्की की भी आप जियोपॉलिटिक्स को देखें, मैं बार बार कहता हूँ जियोपॉलिटिक्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है दोस्तों। टर्की की आप जियोपॉलिटिक्स देखें, टर्की अपने आप को जिस तरह से मुस्लिम देशों का रहबर बता रहा है आज के समय, सब कुछ है, इसराइल के खिलाफ बहुत से स्टेटमेंट देता है, लेकिन टर्की के फुल रिलेशन डिप्लोमेटिक टाइज हैं इसराइल के साथ। जो कुछ भी वहाँ से वक्तव्य आते रह रहे हों अंकारा से, लेकिन एक बात यह है कि वर्तमान में पिछले कुछ सालों में टर्की और इसराइल का ट्रेड कई गुना बढ़ा है। और जियोपॉलिटिक्स में भी हम एक चीज़ को देखें कि अभी एक युद्ध हुआ था अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में, इस पर दोनों इसराइल और टर्की ने एक ही पार्टी को, डेट इज अजरबैजान को सपोर्ट किया, अपने ड्रोन्स और मिलिट्री हार्डवेयर दिया। कई जगह यह भी माना जाता है कि बहुत सी स्ट्रेटेजी जो उन्होंने युद्ध में अपनाई वह इसराइल जैसी थी। तो जियोपॉलिटिकली कई बार ये दोनों साथ आ जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान के लिए बड़ी वैसी स्थिति हो जाएगी क्योंकि उसको बहुत समर्थन की जरूरत लगती है सऊदी अरब की। अब या तो वो इसराइल को रिकॉग्नाइज कर ले और सऊदी और अमेरिका के साथ रहे, नहीं करता है और लेकिन यदि वो रिकॉग्नाइज करता है तो उसके यहाँ पर जो बहुत सारी एक्सट्रीम राइट विंग पार्टी हैं वह जीना हराम कर देगी इमरान खान का, तो वहाँ भी उसके लिए समस्या है। इसलिए मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान के लिए Catch-22 सिचुएशन है, और यदि नहीं करता है तो उसको ऑलरेडी वो चाइना के साथ है, टर्की के साथ जाएगा और अमेरिकन अलायंस से पूरी तरह से, सऊदी अलायंस, सऊदी कैंप और अमेरिकन अलायंस से पूरी तरह बाहर हो जाएगा। अब भारत के संदर्भ में मैं यही कहता हूँ कि ये मिडिल ईस्ट का जो रीजन है ना, इस पर भारतीयों को, हमको बहुत नज़र रखना चाहिए क्योंकि ये मिडिल ईस्ट है यूरोपियंस के लिए, हमारे लिए मिडिल ईस्ट नहीं है, हमारे लिए तो ये नियर वेस्ट है, हमारा पड़ोस है, और पड़ोस में जो कुछ भी होता है उससे हर कोई इफेक्ट होता है, एटलीस्ट इकोनॉमिक इफेक्ट आता है। और अब जब जियोपॉलिटिक्स खूब एक्सपांड कर रही है, देखिए मैं बोलता हूँ, जब चाइना का जिस तरह से रोल दुनिया भर में जा रहा है, दुनिया दो कैंप में विभाजित हो चुकी है, तो आगे ना पीछे ये होगा कि सीरिया, ईरान
यमन, ये जो कंट्रीज हैं ये चाइनीज कैंप में रहेंगी, हो सकता है इराक भी जाए उसमें, और अमेरिकन कैंप में रहेगा इजराइल, सऊदी अरब, यूएई, कतर, बहरेन। कतर का भी बड़ा वैसा विषय में कर दी तो और बात करूंगा कि कतर का क्या है, कतर क्यों नहीं अभी रिकग्नाइज कर रहा इसराइल को, कब करेगा, कैसे करेगा, क्योंकि वो जीसीसी का मेंबर भी है, अमेरिका की सबसे बड़ी मिडिल ईस्ट की कहीं बेस है, मिलिट्री बेस तो वो कतर में है। अब इसराइल को रिकग्नाइज करेगा वहां, लेकिन उसको बार्गेनिंग चिप की तरह यूज करेगा जियोपॉलिटिकली कि सऊदी अरब और यूएई का जो ब्लॉकेज है उसके ऊपर अमेरिका हटवाए तब रिकग्नाइज करेगा। इस पर किसी दिन डिटेल में बात करेंगे। मैं भी आ रहा था चाइना और पाकिस्तान वाले विषय पे, तो चाइना पाकिस्तान ऑलरेडी साथ में है, हो सकता है मिडिल ईस्ट का जो बड़ा गेम होगा, देखिए दोनों दो जगह बड़े गेम होने हैं, तो इंडो पैसिफिक और मिडिल ईस्ट में तो चल ही रहा है काफी दशकों से, अब इंडो पैसिफिक में भी रहेगा, तो इस बड़े गेम में चाइना पाकिस्तान आगे चलकर सीरिया, यमन, हो सकता है इराक और ईरान, ये एक कैंप होंगे, और अमेरिकन नेतृत्व में इजराइल, सऊदी अरेबिया, बहरेन, कुवैत, कतर और इंडिया भी उस कैंप में डेफिनेटली होगा, चाहे नाम से हो ना हो लेकिन प्रैक्टिकली होगा। जय हिंद, जय भारत।